नमस्कार दोस्तों, खनराज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। ये एक चाइनीज डिश है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। ये खाने में जितना स्वादिष्ट है, देखने में उतना ही सुंदर है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं बनाना चिकन फ्राइड राइस। तो सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप चावल। ये मैंने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के लिए। तो इसको हम पानी डाल के सबसे पहले धो लेंगे। इसे हम हल्के हाथों से धोएंगे ताकि ये टूट ना जाए। दो बार हम इसे वाश कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी और इसे सोक करेंगे करीब आधे घंटे के लिए। इसे हम साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम चिकन। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम चिकन लिया है अप्रोक्सीमेटली। ये बोनलेस चिकन है और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिया है। इसे मैं मैरिनेट करूंगी। सबसे पहले डाल दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद डालूंगी नमक 1/2 टीस्पून। डालूंगी 2 टीस्पून लेमन जूस। साथ में डाल दूंगी 2 टीस्पून सोया सॉस। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे मैं साइड में रख दूंगी आधे घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे 2 घंटे तक भी मैरिनेट कर सकते हो। हमने यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सॉल्ट करीब 1/2 टीस्पून। अब हम इसके अंदर हमारा जो सोक किया हुआ चावल है उसको हम ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम ऐसे इसे धीरे धीरे बॉईल होने देंगे। करीब 9 से 10 मिनट बाद हमारा चावल जो है रेडी हो जाएगा। तो करीब 10 मिनट हो चुका है। अब हम चावल को चेक करेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि चावल ओवर कुक ना हो, ये खाने लायक बन जाए बट ओवर कुक ना हो। तो चावल को हम अभी गैस के ऊपर से उतार लेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है और इसका जो पानी है हम इसे ड्रेन कर देंगे, ऐसे हम निकाल देंगे। इस प्रोसेस को आप डायरेक्ट बेसिन के ऊपर भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो हम चेक करेंगे हमारा चावल। ये देखिए, चावल बिल्कुल स्टिकी नहीं हुआ है, बिल्कुल खुले खुले बन गया है। तो अब हम इसे ऐसे ही 2-3 घंटे तक छोड़ सकते हैं या तो फिर हम इसे एक प्लेट में ऐसे स्प्रेड कर देंगे और कोई भी पंखे के नीचे हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ऐसे हम रख देंगे पंखे के नीचे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। करीब 5 से 10 ml हम ऑयल डालेंगे और इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। अब हम 3 अंडे को क्रैक कर लेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक चुटकी भर और साथ में डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसे हम अब ऐड कर देंगे कढ़ाई में। हम अंडे का भुर्जी बनाएंगे। तो थोड़ी देर रुकेंगे और इसके बाद हम अंडे को चलाते हुए अंडे का भुर्जी बना लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। तो हमारा अंडा भुर्जी रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बोल के अंदर और इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम सेम कढ़ाई में ऐड करेंगे करीब 10 से 15 ml ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन। चिकन ऐड करने के बाद इसे हम हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक यूं ही सौते कर लेंगे और 2-3 मिनट बाद हम इसमें ढक्कन लगा देंगे कढ़ाई में और इसे फ्लेम को स्लो रखेंगे और इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में हम इसे चला देंगे ताकि ये नीचे जल ना जाए।
तो करीब 8-10 मिनट के अंदर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। तो हमारा चिकन सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे भी कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसे भी रखेंगे हम साइड में। तो हम चिकन को साइड में रखेंगे और हम कढ़ाई को साफ करके फिर से गैस के ऊपर चढ़ाएंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ऑयल। इस बार मैंने तिल का तेल का इस्तेमाल किया है। तो अब तेल गर्म हो गया है तो इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन। करीब 25 कली लहसुन है ये, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट किया है। 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद हम डालेंगे हमारा जो हरा प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा है उसको मैंने काट कर लिया है, करीब 1/3 कप हम डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे रेड कैप्सिकम 1/3 कप, ग्रीन कैप्सिकम 1/3 कप, डालेंगे पत्ता गोभी 1/3 कप, डालेंगे प्याज 1 प्याज हम डाल देंगे मीडियम साइज, साथ में डालेंगे 1/3 कप गाजर और इसे मैंने पानी में 2-3 मिनट बॉईल कर लिया है। डालेंगे बेबी कॉर्न 1/3 कप, इसे भी मैंने पानी में 2-3 मिनट तक बॉईल कर लिया है और इसे भी हम फ्राई करेंगे कुछ देर के लिए। तो मिक्स करने के बाद सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे हम सौते करेंगे। इसको एकदम सॉफ्ट नहीं बनाना है, इसको हाफ कुक होने तक हम इसे फ्राई करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा चावल, साथ में डालेंगे करीब 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, साथ में हम डालेंगे सोया सॉस करीब 2 टेबलस्पून डाल देंगे, डालेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस। अब हम इसमें मिलाएंगे स्क्रैम्बल्ड एग यानी कि अंडा भुर्जी मिला देंगे, साथ में हम डालेंगे हमारा प्रिपेयर किया हुआ चिकन, जो चिकन हमने बना के रखा था बोनलेस, उसे भी मिलाएंगे, साथ में डाल देंगे हरा प्याज। अब सारी चीज़ों को मिक्स करना है और हमारा जो फ्राइड राइस है चिकन फ्राइड राइस रेडी हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हम गैस का जो फ्लेम है उसे लो रखेंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है, अब हम राइस को थोड़ा चख के देखेंगे इसमें नमक वगैरह ठीक है कि नहीं। तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि मेरे राइस में थोड़ा सा नमक कम था और इसे हम एक बार फिर से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। गैस को हम यहाँ पर बिल्कुल लो पे रखेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो हमारा जो फ्राइड राइस है सर्व करने के लिए रेडी है। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। इसे तो आप यूं ही खा सकते हैं या तो आप इसके साथ कोई भी चाइनीज़ ग्रेवी वाला डिश भी सर्व कर सकते हो, जैसे ग्रेवी वाला मंचूरियन भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।